हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इनके पार्टनरशिप की डील से, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन आपको देखने को मिल रहा है आज के दिन। और अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको शेयर मार्केट में आज के दिन में देखने को भी मिला है, और आने वाले टाइम में भी इसका पर्टिकुलर इम्पैक्ट आपको शेयर में देखने को मिलने वाला है। हो सकता है आपको इस वीक में अच्छी खासी तेज़ी इस पर्टिकुलर खबर के थ्रू इस पर्टिकुलर स्टॉक में, यानी कि IRCTC में देखने को मिल सकती है। सारी चीज़ें हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बड़े टारगेट्स भी निकल के आ रहे हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट्स हो सकते हैं अगर आप IRCTC में निवेश करने का सोच रहे हो तो। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के मार्केट सिनेरियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आज की क्लोजिंग देखने को मिली है IRCTC की, वो करीबन 3% पर आपको अपसाइड मूवमेंट दिखाते हुए क्लोज हुआ है। और जो शेयर की क्लोजिंग हुई है 798.80 रुपये, यानी कि 798.80 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली है। तो काफी ज्यादा अच्छा इसमें सिनेरियो देखने को मिला है। ओवरऑल मैं डायरेक्टली अपडेट पे आ जाता हूं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे आज के दिन में अगर आप देखो करीबन 4% से भी ज्यादा का उछाल इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ गया था, क्योंकि मार्केट आर्स में ही एक बड़ी अपडेट निकल के आई, जो कि आपको यहां पर स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। IRCTC शेयर्स जंप 4% ऑन रेल टिकटिंग कोलैबोरेशन प्लान विद रेडबस, यानी कि IRCTC ने और रेडबस ने एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन प्लान किया है, जिसके थ्रू अब अगर आप देखोगे तो 4% का उछाल इस पर्टिकुलर स्टॉक में आज के दिन देखने को मिल गया, जैसे ही मार्केट में ये न्यूज़ निकल के आई पूरी। अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि आज के दिन करीबन 4% का अपसाइड मूवमेंट बहुत जल्दी, मतलब अर्ली ट्रेड में ही देखने को मिल गया, क्योंकि जैसे ही जो न्यूज़ निकल के आई रेडबस और IRCTC एक कोलैबोरेशन करने वाले हैं। और इसमें अगर आप देखोगे तो अब रेडबस के थ्रू यहाँ पे आप टिकट बुकिंग भी कर सकते हो ट्रेन्स की, यानी कि पहले आप रेडबस पे केवल बस की ट्रेन बुक कर सकते थे, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप ट्रेन्स की टिकट भी ईजिली रेडबस से कर सकते हो। और जैसे ही मार्केट में ये न्यूज़ निकल के आई एक बहुत बड़ा अपसाइड मूवमेंट करीबन 4% से भी ज़्यादा का आपको यहाँ पर देखने को मिल गया IRCTC में, क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि IRCTC में जो डिफरेंट पार्टनरशिप, जो डिफरेंट कोलैबोरेशन हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा इसके शेयर प्राइस पे। और जो भी गिरावट होनी थी वो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे तो हो चुकी है। यहाँ से स्कोप बनता है कि शेयर आपको बहुत अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दिखा दे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेडबस की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है। उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे एक प्लान कर रहे हैं रेल टिकट बुकिंग सर्विस को लॉन्च करने का, और यहाँ पे जो नाम रहने वाला है वो रेड रेल रहने वाला है, यानी कि पहले रेड बस जिससे आप यहाँ पे बुक कर सकते थे बस की टिकट्स, अब यहाँ पे आप रेड रेल के थ्रू अगर आप देखोगे तो यहाँ से ईजिली ट्रेन की बुकिंग कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखो तो रेड बस इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म नजर आता है। जो सर्विस है वो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप, मोबाइल, iOS फोन्स और एंड्रॉयड ऐप यूजर के लिए अगर आप देखोगे तो वो अवेलेबल होने वाली है, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो यहाँ से बहुत ज्यादा इजी होने वाला है आपको अब ट्रेन की टिकट बुक करना, जो कि कभी कभी हमें IRCTC के पोर्टल से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती थी। प्रकाश सांगवान जो कि CEO नजर आते हैं, उन्होंने बोला है कि रेडबस इज डिलाइटेड टू पार्टनर विद IRCTC टू ऑफर क्लोज टू 10 मिलियन डेली ट्रेवलर्स ऑफ द ट्रेन्स इन इंडिया अ वेरी कन्वीनियंट, फास्ट एंड सेफ मोड ऑफ ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग ऑन द गो। यानी कि आप देखोगे तो अब बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है ट्रेवलर्स के लिए अपनी ट्रेन की टिकट को बुक करना। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो IRCTC में आने वाले वीक में इस वीक से भी आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। और ये एक सही पॉइंट है, आप यहाँ पर इसमें पर्टिकुलरली एंट्री ले सकते हो।
यहाँ पे आज के दिन एक और खबर निकल के आई जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ISETC शेयर्स रीवाउंड टुडे, यानी कि आज शेयर में दोबारा से मजबूती देखने को मिली। क्या आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए कि या आपको यहाँ पे और ज़्यादा अपने शेयर्स की जो नंबर्स है वो बढ़ानी चाहिए? इस रिपोर्ट के थ्रू आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलने वाली है। तो वेल, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ISETC का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है 760 का। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, जब इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई थी तो ये लेवल टूटने का यहाँ पे पूरी तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखो, वीक में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, जिसमें ISETC भी अगर आप देखो तो वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग लूजर में से नजर आया था मिड कैप्स में। लेकिन अगर आप देखो, इवन 30% तक का आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में डिप भी देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो स्ट्रांगली इंट्राडे में 5% तक के गेन भी आपको देखने को मिले हैं ISETC में। यहाँ पे मैं आपको जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, जो भी यहाँ पे एडवाइजर है उनकी तरफ से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो, उन्होंने ये बोला है कि ISETC में अभी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन बनी रह सकती है, तो कोई अर्ली डिसीजन आप ना लें। बट ये जो लेवल्स चल रहे हैं, यानी कि 780 से 810 से 20 के बीच में आप इसमें बाइंग कर सकते हो, और ये जो लेवल है काफ़ी अच्छा पॉइंट है यहाँ पे अगर आप एंट्री लेना चाहते हो ISETC में। तो फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप यहाँ पे कुछ टारगेट बना के चल रहे हो, तो 930 रुपए का जो टारगेट निकल के आता है, ये यहां पे एक्सपर्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम 930 रुपए का टारगेट आप यहां पे लेके चल सकते हो ISETC में। अगर हम बात करें सुमित बगाड़िया की तरफ से, उन्होंने भी यहां पे बोला है कि आपको इस पर्टिकुलर लेवल पे ISETC में बाइंग करनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो ISETC में इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं 750 यानी कि 750 का, और यहाँ से जो इमीडिएट टारगेट है वो 880 रुपये का नज़र आता है, जिसके थ्रू आप देख पा रहे हो जो अभी आपको 798 के आसपास नज़र आ रहा है शेयर, वो 880 का टारगेट बहुत जल्दी अचीव करते हुए नज़र आ सकता है। अगर हम बात करें रवि सिंगल, जो कि 22 चेयरमैन नजर आते हैं GCL सिक्योरिटीज के, उन्होंने यहां पे बोला है कि जो ISETC का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आता है 760 का, तो यहां से एक बहुत बड़ा बाउंस बैक नजर आ सकता है, और यहां पे उन्होंने जो टारगेट्स बताए हैं आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर, एक तो आप यहां पे बाइंग कर सकते हो, उन्होंने ऐसी एडवाइस दी है। बाकी जो टारगेट्स हैं 2 से 3 महीने के, वो है 920 to 940 यानी कि 920 से 940 के। यानी कि अगर आप देखोगे तो हर एक पर्टिकुलर एडवाइजर आपको यहां पे बोल रहा है कि ये जो लेवल्स हैं वो बहुत अच्छी लेवल हैं ISETC में बाइंग करने के लिए, शेयर्स में और ज्यादा एक्युमुलेशन करने के लिए, और जो टारगेट्स हैं वो मैंने आपको एक एक करके सारे टारगेट्स बता दिए हैं। तो यहां पे डेफिनेटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म के लिए तो इजिली कभी भी आप एंट्री ले सकते हो, शॉर्टर पीरियड ऑफ टर्म में आपको यहां पे मैंने आपको सारे टारगेट्स वगैरह बता दिए। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।